लोग इस वक्त पूल साइड पे, हम लोग ताज के द बेस्ट लग्जरी ताज जो हमारे पूरे इंडिया में जो फेमस है 5 स्टार, हम लोग अभी इस वक्त पूल साइड पे, आप देख सकते हो कि इतना बढ़िया वाला है। सो आप देख रहे हो इतना बढ़िया जगह है, हम लोग बस थोड़ा रेस्ट कर रिलैक्स करते इसके वापस आ गए हम लोग। ठीक है, दिख रहा है और इतना बढ़िया नज़ारा व्यू है, आप देखते हो कि इतना अच्छा स्विमिंग पूल है। एक्चुअली अभी मैं थोड़ा पूछता हूँ यहाँ पर पूल साइड का गाय है उसको, हम लोग कैसा इधर नहाने का है, और साथ में इतना बढ़िया वाला देख रहे हैं आप तिरुपति का, इतना ब्यूटीफुल माउंटेन है यहाँ पर मेरे सामने, सिटी पूरी दिख रही है, एंटायर तिरुपति है। तो कल हम लोग वहाँ जाएंगे ऊपर तिरुपल्ला पे कल, और आप देख रहे हो ये पूरा एंटायर तिरुपति माउंटेन से घिरा हुआ है जो आप देख रहे हो यहाँ पर। इसके लिए इधर बहुत गर्म होता है, बहुत दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि पूरा माउंटेन और पूरा पत्थर का इलाका है ना। तो कल हम लोग उधर रहेंगे उस माउंटेन पे, एंड इट्स सो लवली, कितना अच्छा लग रहा है। अब सोच रहे कि हम लोग अभी थोड़ा नहाएंगे भी इसके अंदर, क्योंकि इधर नहीं है और उसमें नहाएं तो मज़ा क्या है। इधर जिम भी है, स्पा भी है, पर हम लोग शायद जिम में स्पा तो नहीं करेंगे, पर पूल साइड तो अटेंड करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग कि पहले पूछते हैं कि आप पूल साइड की गाय को। ठीक है, सो चलिए मैं और अपडेट करता रहा बाद में आपको। अभी मैं लंच कर रहा हूँ अपने तिरुपति में, अभी फिलहाल जस्ट जी एक्चुअली वो मेरा होटल था जहाँ पे 2 साल पहले से पहले आया था मैं, एंड देन ये 2 साल पहले मतलब बाजू में एक होटल है उदय इंटरनेशनल करके, वहीं मैं खाना खाता वहाँ पर रहता था, अभी मैं खाना खाता हूँ। मैंने वाइफ को बोला चलो पुराने वाले होटल में जाके खाना खाएंगे, देख सकते हैं इसका व्यू कितना अच्छा है यहाँ पर लोगों ने बनाया है। और भाई एक बार जरूर बताता हूँ, जब आप आंध्र प्रदेश में आते हो ना तो यहाँ पर आंध्रा मिल्स खाना, यहाँ पर दाल और चावल और बहुत ही टेस्टी होता है जो घी डाल के देते हैं लोग, एंड देन उसके आगे कुछ बोला दिस वाज स्पीचलेस। सो पहले मैं खाना खा लेता हूँ आप सब। तो भाई मैंने जैसा आपको मैंने बोला था आंध्रा मिल जो वो है यही है वो डिश है, देखो इतनी सारी आइटम मिलती है। तो मेरी वाइफ भी इंजॉय करी, सो अभी जो ये वो दाल की मैं बात कर रहा था वो राइस आएगा गर्मा गर्म स्टीम के, तो ये दाल उसके साथ खाइएगा और मज़े लीजिए भाई आंध्रा डिश का। सो अभी फ़िलहाल जब तक मेरी भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो अपना अपना पूरा आइटम तो वेज ही होने वाला है भाई। सो क्यों ना अभी इस चीज़ को मैं ट्राई करूँ, आप क्या सोचते हो? आपको मुझे पानी आ रहा ना, ठीक है मैं पहला खा लेता हूँ, फिर बाद में जम के बात करेंगे रूम पे पहुँच के जब मैं ऑर्डर करूँगा। ठीक है भाई, एक चीज़ बताता हूँ, अगर पेमेंट होती है ना तो ऐसा ही पोस्ट ऑफिस रहता है, इसके अंदर बिल आएगा और हमको कैश ना इधर ऐसा नीचे डालना पड़ता है। ठीक है तो कुछ यूनिक है यार इस मतलब होटल का कुछ अलग स्टाइल देखा, मैंने पेमेंट हमेशा क्रेडिट कार्ड से देखा लेकिन पोस्ट ऑफिस जैसा लग रहा है ये। ठीक है भैया लेके जाइए। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली मैंने GoPro का थोड़ा चार्जिंग करना मैं भूल गया था, इसके लिए अभी मैं अपने फ़ोन से ले रहा हूँ, जो मेरे पास Redmi Note Pro 8 है उससे ले रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। तो आप देख रहे हो इतना बढ़िया पूल है भाई, सच्ची में बता इतना मज़ा आ गया ना यहाँ पर पूल पे नहा के। अभी तक मेरी वाइफ उधर ऑलरेडी उधर इन्जॉय कर रही है, अभी मैं भी वापस जाता हूँ। एक्चुअली मैं GoPro लेने निकला, पता चला उसमें बैटरी नहीं है अभी इसके, तो मैं सोचा अभी वीडियो कैसे निकालूंगा, पर कोई बात नहीं यार, अपने पास हर चीज़ का बंदोबस्त होता है, वो अपना फ़ोन भी जिंदाबाद, पहले तो फ़ोन से ही करते थे बाद में GoPro का था वाला। तो चलो हमारे मेरे साथ पूल में चलो जल्दी जल्दी आ जाओ जाओ एकदम, और एकदम मस्त क्या बोलते हैं, गर्म भी है नॉर्मल है, इज नॉट अ हीटेड पूल बट इज अ नॉर्मल पूल। सो मज़ा आता है यार 5 स्टार में, यार ऊपर से आप ये सर्विस ना लो अच्छा नहीं लगता। सो एमिटीज में आता है तो ज़रूर लूँगा मैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे होटल्स में गए थे भाई, लेकिन ये कुछ अलग ही है। पीछे देख रहे हो भाई माउंटेन का व्यू का मज़ा लेते हुए, और वो मेरे पीछे जितनी भी दिख रही है वो सब तिरुपति का एक सिटी है, और ऊपर देखो कितना बड़ा माउंटेन है। अभी रात में ये माउंटेन जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एक लाइन जैसी है, वो है माउंटेन का मेन रास्ता वहाँ से जाने का, और बीच में वहाँ पर एक रात में सिंबल चमकता है, वो तिरुपति का साइन है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं रात में। वाह भाई देख रहे हो नज़ारा, चलो थोड़ा सिनेमैटिक शूट भी कर सकता हूँ, देखता हूँ जितना हो सके।
वेल गाइस, मैं अभी इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मतलब ये पूरा घर से वेज रेस्टोरेंट है, ये तिरुमला की तरफ तिरुपति के रोड पर ही है, मतलब अंदर सिटी में आना पड़ता है। सो अभी मैं सोचा थोड़ा स्नैक्स वैक्स करूँ। मैं ताज होटल में तो नहीं करूँगा यार, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्यों ना बाहर का भी जाके खाने का मज़ा भी लेना चाहिए। जिस होटल में रुके वहाँ पर ही नहीं खाना है, बाहर भी जाके भी खाना चाहिए। तो अभी इस वक्त तो मैं कुछ मास्क भी यूज़ पी रहा हूँ और मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया है। और भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ, एक चीज़ जरूर बोलना पसंद करूँगा आपको, वो ये है कि भाई यहाँ पर ना कोई भी हेलमेट नहीं पहनता है। ये सबसे अच्छी सिटी मेरे को लग रहा है कि ना, पुलिस वाले बहुत ही फ्रेंडली है। यहाँ पर डबल हो ट्रिप सी हो, कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा है। बिना हेलमेट का गाड़ी चल रही है। और एक बात बता दो भाई, यहाँ पर तो सब कुछ चालू है। आप देख सकते हो मेरे पीछे माहौल, देखो दिख रहा है पूरा का पूरा फुल हो गया है रेस्टोरेंट है। नो बड़ी हेल्प लाइक बोलते ना, जगह भी नहीं, सभी बुकिंग के खड़े बेतावले, बस मार लगा लगा के आ रहे हैं। टेबल क्लीनिंग हो रहा है, बस डाल के क्लीन करके चले जा रहे हैं इसके लिए। और इसका नाम है PS4 करके। मैं अभी आपको बाहर जाके मैं दिखाता हूँ कि ये बाहर से कैसा दिखता है। और इधर पार्किंग का भी शॉर्ट नहीं है। अभी इधर कुछ 2 फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये है कि मैं जब आया था 2019 में, तो यहाँ पर वो फ्लाईओवर नहीं था। अभी पूरा फ्लाईओवर का कुछ भी काम ही नहीं रहा है। 2 सालों में मैंने भाई साहब ने पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया है, पहचान में नहीं आ रहा है रोड। तो बस जब भी आप आइएगा तो देखिएगा, मतलब थोड़ा इधर ट्रैफिक भी बहुत सॉलिड है। और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ पर पुलिस खड़ी है और कहाँ से कोई भी बाइक आके करके जा रहा है, टिप्पणी मार रहा है, चौकली मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हेलमेट तो है ही नहीं। तो चलो मैं जल्दी से पहला मैं इसको क्विक पी लेता हूँ, उसके बाद भी मेरे को डिनर भी करना है, ठीक है। चलो मैं आपको कल के लिए अपडेट कर रहा हूँ। और एक बार सॉरी बॉस, एक बार जरूर बताऊँगा कि मेरा GoPro का चार्जर यहाँ पर किधर भी लग नहीं रहा है। इसके लिए मैं आज तक कोशिश करता हूँ कि अगर चार्जर हो गया तो ठीक है, नहीं है तो मुझे फ़ोन से ही शूट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा भाई, क्या करें हालत में मजबूर, ठीक है ना। तो लेकिन वीडियो तो आप देखना ज़रूर बहुत, ताकि आपको बता दो कि आप इस वक्त का करंट सिचुएशन क्या है तिरुपति में, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको पहला पेज ख़त्म करके। भाई देख रहे हो अब इतना भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, भसड़ इतना, मेरे को तो बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। मैं तो बस लोग को जगह मान के बैठ गया बस में। तो बाइक खोलो भाई, मैंने पार्किंग यहाँ सामने करके रख दी है बाइक को। भाई ये रहा मेरे पीछे, आप देख रहे हो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, क्वाइट गुड एंड यू कैन जॉइन इट हियर आल्सो। वाओ भाई, इधर आओ और खाओ भाई, मैं तो सही बता रहा हूँ। चलिए मेरा तो सिर्फ ब्रेकफास्ट ही है अभी, तो मैंने जस्ट सब थोड़ा सा स्नैक्स किया है, अभी मैं जाता हूँ लंच डिनर के लिए।